आज ही हमारे पास एक अपट्रॉन कंपनी की सीआरटी टीवी 21 इंच वाली है। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि ये टीवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी फर्स्ट क्लास चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि चलते चलते होता क्या है कि अपने आप बंद हो जाएगी, पिक्चर थोड़ा सा हिलेगा उसके बाद ये बंद हो जाएगी, यही प्रॉब्लम इसमें है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और जब तक टीवी बंद होती है तब तक, जब बंद होगी तब आपको चलेंगे इसको रिपेयर करना दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं, आप देख लीजिए किस तरह से टीवी वाली चल रही है, कोई चलने में दिक्कत कमी कुछ परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये समस्या कहाँ से है जिसको हम सही करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आप देखिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो जब तक देखने जा रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलते रहे हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए पहले फॉल्ट को पकड़ते हैं, आखिर कहाँ से है ये भाग रहा है, बहुत ज़्यादा हमारा फॉल्ट खोजते हैं पहले। दोस्तों ये टीवी अपनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास देख सकते हैं चल रही है, चलने में कोई कमी नहीं है इसकी, लेकिन ये चलते चलते क्या होगी कभी कि बंद हो जाएगी। तो इस समस्या को भी हम सही करने वाले हैं। तो पहले कमी एक बार आपके सामने आ जाए तो हम आपको आगे ले चलें। दोस्तों प्रॉब्लम आने के बाद ये लाइट हमारी ब्लिंक करने लगती है कुछ इस तरह से, तो एक बार हम फिर इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ऑन होती है या नहीं। तो बटन से ऑन ही नहीं हो पा रही है, यहाँ बगल से इसका की जो दिया उससे ऑन नहीं हो पा रही है। तो पावर का जो मेन स्विच है उसको ऑफ करते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ हो चुकी है, टीवी ऑन हो गई है। कुछ इसमें अलग टाइप की आवाज़ आ रही है, प्रॉब्लम जो है ये देख सकते हैं आप, अब की बार ये तो ऑन ही नहीं हुई। फिर से एक बार हम पावर जो है कि ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, ऑन किया, यहाँ बगल इसका स्विच दिया हुआ है, ऑन करते हैं तो अब देखते हैं। इस खेल में वित्तीय जोखिम, देखिए अब की बार ये ऑन हो गया है, जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले। एक मिनट और इसका लाइटिंग भी चेंज हो चुका है, कलर वगैरह भी चेंज हो चुका है, लेकिन जो मेन समस्या हमारी है कि ये बंद हो जा रहा है। तो फिलहाल हम उसको सही करेंगे, एक बार बस आपके सामने बंद हो जाए तो बस वही बात है, जब दिखाना है तो नहीं बंद हो रहा है, वैसे बार बार बंद हो रहा है। देखिए अच्छा हो गया बंद, देखिए इसी तरह से ये बंद हो जाती है, अब ये ब्लिंकिंग पोजीशन में आ चुकी है, देख सकते हैं पावर की लाइट जो है ब्लिंक करने लगी है। उतनी देर से मैं परेशान था तो नहीं हो रही थी, अभी अचानक से हो गया फिर। तो आइए अब इसको सही करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कहीं इसका सप्लाई तो जो है कि नहीं बैठ जा रहा है, मतलब चलते हैं सबसे पहले अंदर हम काउंटर के, ठीक है काउंटर के अंदर आ चुके हैं अपना, और चेक करते हैं सप्लाई वगैरह। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये सर्किट है अपनी, एक बार ध्यान से देख लीजिए सर्किट, छोटी वाली सर्किट है यही, इसी सर्किट को भी अधिकतर ये देखा गया है, बहुत ज़्यादा आ रही है अब ये। तो ये सर्किट है अपनी और इसमें हम सप्लाई ज़रा एक बार चेक करते हैं, अपना ये डिजिटल मल्टीमीटर रहा, ठीक है सप्लाई मेन है दोस्तों, सप्लाई को चेक करना है बहुत ज़रूरी। यहाँ पे हम 110 की सप्लाई का डायोड पे रखते हैं, 111 वोल्ट। एक मिनट फिर से इसको ऑफ करते हैं, सप्लाई टीवी ऑफ कर दी है, फिर ऑन करते हैं, 111 वोल्ट ऑन करते हैं, टीवी शायद ऑन हो चुकी है, हाँ अब ऑन हो गई है। अब ये दोबारा से बंद होगा तो ये देखना पड़ेगा हमको कहीं इसकी ये जो सप्लाई 111 वोल्ट है ये डाउन तो नहीं हो जाती है, तो थोड़ा सा समय लगने वाला है इसमें, क्योंकि ऐसे तो इसमें ना ही कोई कैपेसिटर लीकेज दिख रहा है और ना ही कोई ट्रांजिस्टर ऐसे गैस पे है, वैसे तो सप्लाई का ही मैटर होना चाहिए दोस्तों, कोई कैपेसिटर लीकेज में भी नहीं है, समस्या इसकी काफ़ी बेहतरीन है। साउंड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लोड पड़े इस पर, कोहराम मचना शुरू हो गया है।
जयपुर से एसओजी से मिली सूचना पर बालोतरा पुलिस ने दो ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा है जो परीक्षा में अपनी जगह है डमी कैंडिडेट बिठाए थे। दोस्तों ये फॉल्ट खोजने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, अब फॉल्ट आ नहीं रहा तो मैं आपको बताया था। तो इस फॉल्ट को सही करने के लिए सबसे पहले आप सब ये प्रीसेट चेंज करके देख लीजिएगा, ये प्रीसेट यहाँ पे जो लगा है, और इससे ना हो फिर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं बस इन ट्रांजिस्टर को चेंज करें तो कन्फर्म फॉल्ट आपका सही हो जाएगा। तो अगर फॉल्ट अभी हमारे सामने आया होता तो मैं आपको सही करके दिखाता, लेकिन ये फॉल्ट जो कि अटक गया अब आ ही नहीं रहा है, तो इन्हीं से ये फॉल्ट होता है। मैं आपने आपको बता दिया कब तक वेट करेंगे आप सब, तो ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद टीवी में हमारे प्रॉब्लम आ चुकी है, सप्लाई देख सकते हैं ओके, लेकिन टीवी अब ऑन नहीं है। देखिए टीवी ऑन हमारी नहीं है और इसका पावर का इंडिकेटर उसी तरह से है, सप्लाई हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई समस्या हमारी सप्लाई में नहीं है। तो यह समस्या हमारी दोस्तों हो सकती है कहाँ कहाँ से, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो अब ये पावर सप्लाई की समस्या रही नहीं, पावर सप्लाई हमारी ओके बिल्कुल। तो इसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उस ट्रांजिस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो समस्या जो है काफ़ी बेहतरीन है, सो आप सबका कहना है कि काफ़ी अच्छे अच्छे फॉल्ट लाइए, बारीक सारे फॉल्ट ना, तो ये फॉल्ट जो है बारीक में ही गिनती होगी इसकी, ठीक है। तो और यहाँ पे ये हमारा एक ये क्या है, पीटीसी है नहीं, ओवर वोल्टेज वाला वोल्टेज प्रोटेक्शन जो होता है, ये शॉर्ट हुआ था इसलिए सर्किट यहाँ की जल चुकी है, ठीक है। तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है फिलहाल इस फॉल्ट से। और कुछ इसमें फिल्टर्स हमारे बिल्कुल सप्लाई के ओके हैं, फिल्टर में कोई समस्या नहीं है। ये एक दूसरा वाला थोड़ा सा लीकेज लग रहा है जैसे कुछ, तो इसको मैं निकाल ले रहा हूँ बाहर देखने के लिए। वैसे तो ये भी नहीं होगा, हमारे हिसाब से सही होगा, तो ये भी सही है, बस इसका ये लगा हुआ नहीं सही था, इसको अब हम सही लगा देते हैं। और इसमें ये कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं दोस्तों, अगर आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं इस फॉल्ट में या फिर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो मेरी एक राय मानिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है सीधा सीधा। सबसे पहले तो इसको मैंने निकाल दिया है, इसको मैं लगा लूँ। यहाँ पे ये कई सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3, 2, 5 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। इनमें से ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इन सभी ट्रांजिस्टर को आप एक साथ चेंज कर दीजिए सभी को, अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो। और ये दो ट्रांजिस्टर सबसे पहले जो मेन हमारे 3807 की जगह पर लगाए गए हैं, इनको तो मैं सबसे पहले चेंज करूँगा, बाकी के तो बाद में चेंज करूँगा, लेकिन इन भाई साहब को पहले 2383 यहाँ पे लगा है एक ये, और एक इधर है देखते हैं, ये भी शायद 2383 ही होगा। समस्या इसकी काफ़ी गंभीर है और इसको बनाने के बाद इसमें वही प्रॉब्लम आएगी कि इसको कुछ देर तक हमको चलाकर चेक करना पड़ेगा, तो ये वीडियो तुरंत अपलोड भी नहीं हो पाएगा, आज मैंने बना रहा हूँ तो आज अपलोड भी नहीं होगा जब तक ये फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाता। ये हमारा है B892, तो देखते हैं ये ट्रांजिस्टर फिलहाल, और कोई ट्रांजिस्टर तो मेन ट्रांजिस्टर तो यही समझ में आ रहे हैं फिलहाल। सभी को अगर आप चेंज कर देंगे तो ये समस्या आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और कोई एक मिनट में देख लूँ, 18-15 तो इसमें 80-50 नहीं लगा है, तो 80-50 बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। एक 2383 यहाँ पे सबसे पहले, 2482 है इधर मेरे पास, यहाँ पर मैं लगाऊंगा 3807, ना 2383 ना 2482, डायरेक्ट मैं लगाने वाला हूँ 3807 कंटिन्यूटी मिला के, ठीक है। इसको मैं लगा दूंगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है सबसे 2383 2482 से भी।
कंटिन्यूटी मिला लेता हूँ मैं, बेस कलेक्टर रिमीटर, तो इसमें बेस हमारा मिल चुका है, इसका बेस मिलाते हैं, ये कुछ इस तरह से रहा। तो दोनों नंबर के ही दिशा में लगेंगे सामने, ठीक है, नंबर जिस तरफ नंबर रहेगा उसी तरह से लगेगा ये भी। चलिए इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो हमारा 892 जो है हमारा दिखा रहा है, भी 892, उसका कंटिन्यूटी में मिलाता हूँ, और उसकी जगह भी कोई ट्रांजिस्टर लगाऊंगा ज़रूर। तो इन भाई साहब का भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, 23-83-24-82 की तरह ही तो नहीं है। नहीं, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, तो ये नहीं लग पाएगा यहाँ पे, इसी नंबर का सेम चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में तो मैं इसी के लगा रहा हूँ दोबारा, और फिर चेक करूँगा कि यही प्रॉब्लम हमारी एक ट्रांजिस्टर बदलने से होती है या नहीं। फिलहाल आपको अगर नहीं सही होता है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर मेरा भी नहीं सही होता है तो मुझे भी लगाना पड़ेगा। तो एक ट्रांजिस्टर चेंज करने के भरोसे मैं चल रहा हूँ अभी, और कोई ट्रांजिस्टर अभी तो सारे ठीक नज़र आ रहे हैं मुझे, देखने से वैसे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर ही ख़राब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको चेंज करने से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी पिक्चर भी हिल रही थी, पिक्चर हिलने का मतलब यहाँ से हो सकता है। और मैं इसको लगाता हूँ दोबारा पावर में और देखूँगा कुछ देर चला के, फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम। पहले तो मैं इसको चलाऊँगा 2-4 घंटे, अगर प्रॉब्लम होगी तो अभी 10 मिनट के करीब आधे घंटे बाद आ जाएगी, आधे घंटे 1 घंटे बाद ही प्रॉब्लम आ जाएगी, उतना लंबा समय नहीं लेगा। ठीक है, टीवी ऑन हो गई है, एक बार में ही ऑन होने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बस यही प्रॉब्लम थी हमारी। तो सही चल रही है, और कलर भी तुरंत आ चुका है इसका, पहले जो है कलर भी नहीं आता था तुरंत, मैंने शीशे में देख लिया, आप भी देख लीजिए। तो चलने में कोई समस्या नहीं है अब, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इस टीवी को बनाने के बाद, चला के देखेंगे तो ठीक है, जो जैसा रिस्पांस मिलेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय ये टीवी हमारा तोड़ दिया है, तभी तो चलने में बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हैं आप, चला के हम चेक कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आगे हम आपको बताएँगे, अगर समस्या नहीं होगी तो हमारा वीडियो बस यहीं तक, ठीक है, इतना वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, अगर कोई समस्या होगी तो दोबारा से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों हमारे टीवी का प्रॉब्लम ओके हो चुका है, देख सकते हैं टीवी हमारी सुबह के 9 बजे से चल रही है, इस समय 1 बज रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बस मात्र एक ट्रांजिस्टर की वजह से जो प्रॉब्लम था सही हो चुका है, तो यहीं पर ये ट्रांजिस्टर है, इसी ट्रांजिस्टर की वजह से बस ये प्रॉब्लम हमारा जो है था 23-83। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी सही है, इस तरह से आप अपना प्रॉब्लम सही कर सकते हैं टीवी का। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तो दोस्तों आप सब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नए नए वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आपका भी अगर कोई टॉपिक हो तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।